तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। और उससे पहले नए हो तो यार प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह से नागपुरी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो गाइस इस वीडियो पर लास्ट एंड तक बने रहो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंकज रॉय के बायोग्राफी के बारे में, जो कि नागपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े स्टार काफ़ी बड़े सिंगर हैं, जिनको पवन पंकज के नाम से जाना जाता है। सो गाइस इनकी बायोग्राफी बताने से पहले कुछ और बात बताती हैं। जब पवन और पंकज नागपुरी इंडस्ट्री में एंट्री ली थी तो बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का क्रेज था। सो गाइस पंकज रॉय जो कि झारखंड के पेड़ों शहर से बिलोंग करते हैं, और स्टडीज की बात करें तो स्टडीज पेड़ों शहर से ही कम्प्लीट हुई है। तो चलिए जानते हैं कि नागपुरी इंडस्ट्री में कैसे आए और सिंगर्स कैसे बने। सो गाइस आपको तो बता दें कि पवन और पंकज दोनों ही एक ही भाई, और दोनों एक ही साथ अपने स्कूल के टाइम से ही सिंगिंग करना स्टार्ट किए थे, और बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा सिंगिंग करते थे। अपने स्कूलों में कॉलेजों में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, जिनको अपने मास्टर ही इस टैलेंट को देख कर स्टूडियो में लेकर सिंगिंग करवाए थे। और जब पवन पंकज की एंट्री हुई नागपुरी इंडस्ट्री में तो नागपुरी इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव की, जो कि पहले की नागपुरी इंडस्ट्री में ठेठ और नागपुरी केवल सॉन्ग बनते थे और उसी को देखा जाता था। और जब पवन पंकज की सिंगिंग करना स्टार्ट किए तो आधुनिक नागपुरी में सिंगिंग करना स्टार्ट किए और नागपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बदल कर रख दिया, और नागपुरी इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बना कर रखे हैं। और पंकज रॉय की मूवीज़ में सॉन्ग की बात करें तो कई सारे नागपुरी मूवीज़ में भी सॉन्ग दे चुके हैं, जिसको सबसे पहले जाना जाता है प्यार के सपना मूवी, जो कि नागपुरी मूवी थी जिसमें लीड रोल थे बंटी सिंह, और इसमें से पवन और पंकज दोनों ही गाना दिए थे।